Good morning students I'm Shepa and I'm going to teach you English class today we are going to start a new chapter chapter number five A tiger in the storeroom. A tiger just storeroom Before reading the actual uh, drama, re let's read out this small summary. One day I was sitting and studying suddenly a delicious smell of cake came into the room. एक दिन मैं बैठ के पढ़ रहा था कि सडनली अचानक अ डिलिशियस बहुत ही टेस्टी स्मेल ऑफ केक केक का बहुत ही टेस्टी स्मेल मेरे कमरे तक आया आई फॉलो द स्मेल टू द किचन मैंने उस स्मेल का पीछा किया किचन तक माई मदर हैड बीन बेकिंग मेरी मम्मी बेक केक बना रही थी आई हर फॉर अ पीस ऑफ केक बट शी सेड आई हैड टू वेट मेरी मैंने मम्मी से बैगिंग मतलब विनती किया कि प्लीज़ मुझे एक छोटा सा केक पीस दे दें केक का टुकड़ा दे दें लेकिन मम्मी ने बोला रुकना पड़ेगा द केक वॉज स्टिल हॉट फ्रॉम द ओवन गैस से अभी निकाला था गरम से इसीलिए अभी भी वो गरम है ओवन से गरम है द केक वॉज हॉट सो इसलिए शी पुट इट बाय विंडो टू कूल उन्होंने केक को खिड़की के पास रखा ताकि वो ठंडा हो जाए आई वॉच द केक कूल मैं आराम से बैठा हुआ केक की तरफ देख रहा था आफ्टर अ वॉय थोड़ी देर के बाद आई फेल अ स्लीप मैं सो गया सडनली आई अप विद अ स्टार्ट मैं एकदम से मैं जब खड़ा हुआ उठ गया तो मैंने एक ध्यान से देखा द केक हैड वहाँ जो केक रखा हुआ था वो गायब हो गया आई कॉल्ड आउट टू माई मदर एंड सिस्टर मैंने चिल्ला के अपनी मम्मी और बहन को बुलाया माओ मम्मी थाट इट मस्ट हैव बीन अ डॉग मम्मी को मम्मी सोचने लगी कि ये कुत्ते नहीं उठा के ले गया होगा माई सिस्टर सेड इट मस्ट हैव बीन अ क्रो मेरी बहन सोच रही कि हो सकता हो ये कौन ने ले लिया हो आई सेड इट मस्ट बीन माई सिस्टर मैंने कहा यह मेरे ख्याल से मेरी बहन ने उठा लिया है इट ऑल बिगैन विद अ डिश ऑफ खीर एंड अ बॉय फेल अस्लीप ये पूरा कहानी ये पूरा ड्रामा एक खीर कटोरी खीर की और एक बच्चा जो सो गया था रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ द दैट लीड अ टाइगर इन द स्टोर रूम चलिए हम ये ड्रामा को पढ़ेंगे क्या देखेंगे कैसे एक स्टोर रूम में टाइगर पहुँच गया था यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि गर्ल को रेखा बॉय रोहित मदर अम्मा एंड फादर पापा रमेश ग्रैंड मदर दादी ग्रैंड फादर दादा और नेबर में मैन वुमन गर्ल और बॉय ये सारे ही नेबर में आ जाते हैं सो दीज आर दैरेक्टर्स स्टार्ट स्टार्ट द सेक्शन वन द कर्टन ओपन्स टू शो अ लिविंग रूम बेटा जैसे ही पर्दे ड्रामा का पर्दा उठता है तो एक लिविंग रूम दिखाते हैं द बॉय डैशेज अक्रॉस द स्टेज फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट एक बच्चा भागता हुआ लेफ्ट रा, से राइट right की तरफ भाग रहा था ही डजेंट लुक वेयर ही इज गोइंग उसने ये नहीं देखा वो कहाँ जा रहा था एंड बम्स इन टू अ गर्ल कमिंग फ्रॉम द राइट और वो जाकर टकरा जाता है एक लड़की से जो राइट से आ रही थी रेखा ओफ रोहित व्हाई डोंट यू लुक वेर आर यू गोइंग अरे रोहित तुम क्यों नहीं देखते हो कहाँ जा रहे हो रोहित रेखा रेखा देर इज समेर आउटसाइड इन दोर रूम रेखा रेखा देखो वहां पे कुछ है उस स्टोर रूम के बाहर पॉइंट्स टू द लेफ्ट अपने लेफ्ट में पॉइंट आउट करता है दिखाता है रेखा लुकिंग एफ्रेड मतलब रेखा डरती हुई What is it? It is it a lizard? Oh, God! What is it? Is it a lizard? क्या वो lizard है? वो क्या है? वो क्या lizard है? Oh, or is it a snake? क्या वो snake है या फिर? Rohit, neither a snake nor a lizard. अरे ना वो snake है ना lizard है. Rekha, then what is it? Tell me, Rohit. फिर क्या है वो मुझे Rohit बताओ रोहित आई आई डोंट नो व्हाट इज इट बट आई फेल अ स्लीप एंड देन आई हर्ड समथिंग रोहित बोलता है कि मैं मैं नहीं जानता वो क्या है लेकिन मैं सो गया था और मैंने कुछ आवाजें सुनी रेखा बोलती है, वेयर डिड यू हियर दिस नॉइस लुक्स टू द लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ अपनी लेफ्ट की तरफ देखते हुए बोलती है रेखा कहाँ से तुमने ये आवाज़ सुनी है रोहित बोलता है देयर इन द रेखा द स्टोर रूम स्टोर रूम में अम्मा ऑलवेज कीप्स द डोर शर्ट अम्मा हमेशा मम्मी हमेशा दरवाजा स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके रखती है वॉट कुड है क्या अंदर जा सकता है रोहित अनसर्टन जैसे कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा उसे क्या है क्या नहीं है इट्स साउंडेड लाइक समथिंग वॉज मूविंग एंड मुझे लगता है मुझे सुनाई ऐसा दे रहा है, जैसे वहाँ पे कोई चीज घूम रहा है रेखा पजल्ड मतलब कन्फ्यूज हो अम्मा कीप्स राइस एंड दाल एंड जैगरी एंड ओ शिथ स्टॉप्स विद हर हैंड ओवर हर माउथ आई इज बिग उस रेखा बोलती है मम्मी वहाँ पे चावल दाल गुड़ सब रखती है फिर एकदम से रेखा चुप बोलती है चुप हो जाती है और बोलती है ओ अपने मुँह पे उंगली रखती है और वो बड़ी बड़ी आँखों से देखने लगती है रोहित व्हाट? क्या है रेखा स्लोली धीरे से अम्मा मेड सम खीर टुडे अम्मा ने कुछ खीर बनाया है थोड़ा सा आज रेखा पॉज करती है आई सो हर पुट इट इन द स्टोर रूम मैंने देखा था कि मम्मी ने खीर को स्टोर रूम में रखा रोहित इन अ स्ट्रेंज एंड हाई वॉइस अजीब से बहुत तीखी आवाज में डोंट बी सिली हु कुड गेट इन टू द स्टोर रूम टू ईट सम खीर कौन स्टोर रूम में जाएगा खीर खाने रेखा एंग्रीली रेखा गुस्से से इट इजंट नॉट सिली लॉट्स ऑफ पीपल लाइक टू ईट खीर बहुत सारे लोग ये बिल्कुल बेकार की बात नहीं है बहुत सारे लोग खीर खाना पसंद करते हैं वाई अ कैट वुड सर्टनली लाइक अ बाउल ऑफ खीर बाउल फुल ऑफ खीर क्यों नहीं एक बिल्ली भी पूरे बाउल मतलब कटोरी भर के खीर खाना पसंद ज़रूर करेगी दे आर मदर वॉक्स इन एट दिस मोमेंट उसी टाइम मम्मी अंदर आती है स्टेज पे अम्मा वॉट इज इट क्या हुआ अ कैट आफ्टर द खीर क्या एक बिल्ली खीर के पीछे है इट मस्ट बी दैट ग्रे टॉम कैट अरे ये पक्का वो ग्रे कलर का बिल्ला होगा इट इज ऑलवेज गेटिंग इन टू द हाउस टू स्टील फूड वो हमेशा घर के अंदर घुसता है खाने को चोरी करने के लिए वॉट विल आई डू इफ इट ईट्स अप ऑल द खीर मैं क्या करूं अगर उसने पूरी खीर खा लिया हो तो योर फादर हैज़ इन्वाइटेड हिज बॉस फॉर डिनर आज तो आपके पापा ने आपके पिताजी ने अपने बॉस को बुलाया है खाने के लिए रात के खाने के लिए रिंकल्स हर हैंड्स अपने हाथों को रिंकलिंग करते हुए हिलाते हुए स्क्वीज करते हुए एंड नाउ there वुडन बी एनी स्वीट डिश बिकॉज द कैट एट इट ऑल अब रात के खाने में कोई स्वीट डिश मीठा नहीं रहेगा क्योंकि सारे तो बिल्ली खा गई देयर ग्रैंड मदर वॉक्स इन उसी टाइम उनकी ग्रैंड मदर भी आती है दादी भी आती है शी ड्रेस्ड इन अ साड़ी वो एक साड़ी में है रेखा एक्साइटेडली रेखा बड़ी एक्साइटमेंट में दादी देर इज अ कैट इन द स्टोर रूम दादी एक बिल्ली है स्टोर रूम में रोहित एंड इट्स गोइंग टू ईट अप ऑल द खीर अम्मा मेड फॉर द गेस्ट दादी अब वो सारा आम रोहित कहता है दादी और वो सारा खीर अम्मा ने जो बनाया है हमारे घर के रिश गेस्ट्स के लिए वो सारा खा लेगी दादी अ कैद इक बिल्ली इन द स्टोर रूम स्टोर रूम में नॉन सेंस रोहित बट इट्स ट्रू लेकिन ये सही है दादी यू कैन हीयर इट म्यूइंग लिसम आप ये सुन सकते हो उसकी म्यू म्यू करना सुनिए ही होल्ड अब हैंड एंड दे फॉरवर्ड टू हीयर दैट एक अपने लेफ्ट की तरफ झुकते हैं सब लोग और कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं दादी आई डिट हीयर अ थिंग मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही एंड नो कैट कैन गेट इन टू द स्टोर रूम और कोई भी बिल्ली स्टोर रूम में तो घुस ही नहीं सकती बिकॉज द बार्स एट द विंडो आर सेट क्लोज टूगेदर क्योंकि जो विंडो के दरवाजे हैं वो सब अच्छी तरह से बंद हैं योर दादा मेड श्योर ऑफ दैट आपके दादा मतलब ग्रैंड फादर बिल्कुल पक्का रहते हैं इस मामले में रेखा स्क्स रेखा फिर से अपने हाथों को हिलाती हुई दे आर आई हर्ड नॉइस वहाँ मैंने एक आवाज़ सुनी है दे ऑल लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टोर रूम वो सारे दादा मम्मी सब एक स्टोर रूम की तरफ देखते हैं अम्मा इफ इट इजन अ कैट वॉट इज इट मम्मी अगर वो कैट नहीं है तो वो क्या है दादी बोलती है परन ऑफ यू लेफ्ट द डोर ओपन एंड अ डॉग गॉट एन दादी बताती है कि तुम में से कोई एक दरवाजे या दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा जिसके वजह से वो कुत्ता अंदर घुस गया अम्मा कहती है अ डॉग एक कुत्ता रोहित स्पीकिंग फास्ट एंड लाउड जल्दी जल्दी से बोलते हुए और चिल्ला के ये आई सो अ डॉग आउटसाइड द हाउस वाइल्ड एगो हाँ मैंने एक कुत्ते को देखा था घर के बाहर थोड़ी देर पहले देयर ग्रांड फादर वॉक्स इन उसी टाइम उनके दादाजी भी अंदर आते हैं दादा यू सो द डॉग इट मस्ट बी दैट मैड वन तुमने कुत्ता को देखा है ये पक्का वो पागल कुत्ता है अम्मा बोलती है अ मैड डॉग एक पागल कुत्ता दादी बोलती है इन आवर हाउस और हमारे घर में अ नेबर वॉक्स इन क्वाइटली उसी टाइम उनके पड़ोसी एक चुपचाप से अंदर आता है शी ओवर हियर्स दादाज वर्ड्स एंड स्टॉप्स वो उनके दादा के वर्ड्स को सुनता है और वहीं खड़ा हो जाता है नेबर इज़ दैट ट्रू टर्न्स टू अम्मा अम्मा की तरफ देखते हुए बोलता है ये सच बात है अम्मा यस द चिल्ड्रेन हर्ड नॉइज एंड हाँ बच्चों ने यह आवाज़ सुनी है एंड उसी टाइम रोहित यू कैन ऑल हीयर इट इफ़ यू आर क्वाइट फॉर मोमेंट रोहित कहता है आप सब ये आवाज़ सुन सकते हो अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे साइलेंस एज एवरी वन ट्राइज टू हियर द डॉग सारे सब लोग चुप हो जाते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए सच में वहाँ पे कुत्ता है रोहित बोलता है सॉर्ट ऑफ ग्राउली एंड हैप्पी ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत खुश और घुर आवाज़ कर रहा है नेबर पड़ोसी आई वॉन्डर एफ पड़ोसी बोलता अरे मुझे लगता है वो अम्मा बोलती है वॉट क्या दे ऑल स्टेयर स्टेयर एट सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं शी स्टेज बैक एंड लुक्स अराउंड सर्कल ऑफ़ फेसिस वो वो भी उनकी तरफ दोबारा देखती है और उन सब के शक्लों को सर्कल शक्लों को गोल गोल शक्लों को देखती है नेबर इन रश जल्दी जल्दी में आई केम टू टेल सर्कस मैं आपके यहाँ ये बताने आई थी कि सर्कस से एक टाइगर एक शेर भाग गया है रोहित अ टाइगर एक शेर रेखा बोलती है इन आवर हाउस और हमारे घर में दादी अलार्म दादी चौंकती हुई एक टाइगर अम्मा बोलती है मम्मी मोन्स मतलब मम्मी परेशान होती हुई ईटिंग माई लवली खीर मेरे अच्छा सा खीर को खा रहा है रेखा बोलता है हैप्पीली खुशी से रेखा बोलती है वी विल बी इन द पेपर्स हम लोग न्यूज़पेपर में आएंगे कल द नेबर स्लिप्स अवे नेबर चुपके से निकल जाता है द फैमिली डज नॉट सी हर गो फैमिली वाले कोई भी नहीं देखते कि कहाँ चली गई वो दादी स्टर्नली दादी थोड़ा सा परेशान होती हुई Who द डोर ओपन फॉर द टाइगर टू वॉक इन टू द स्टोर रूम अरे कौन है जिसने दरवाज़ा खोल के रखा ताकि एक टाइगर उसके स्टोर रूम के अंदर घुस जाए रेखा बोलती है नॉट आई आई वॉज डूइंग माई होमवर्क मैं तो नहीं हूँ मैं तो होमवर्क कर रही थी मैन सम वन एंड सम चिल्ड्रेन वॉक इन एक आदमी कुछ औरतें और कुछ बच्चे अंदर आते हैं उस कमरे में वुमेन उनमें उन से एक औरत बोलती है फियरफुली डरती हुई इज इट ट्रू क्या ये सच है मैन वो आदमी इज देर है टाइगर क्या यहाँ पे एक टाइगर है बॉय बच्चा रियली इन योर स्टोर रूम सच में तुम्हारे स्टोरूम में पीपल विस्पर टू ईच अदर लुकिंग फेयरफुली अराउंड द हाउस रेडी टू रन सारे लोग एक दूसरे से फुसफुसाके के और डरते हुए एक दूसरे से फुसफुसाके के देख रहे हैं और चारों तरफ ये देख रहे हैं फुसफुसाके के बोल रहे हैं और एक चारों तरफ ये देख रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी भाग जाए गर्ल टिमिडली लड़की बड़े प्यार करती हुई वट इज इट डूंग नाउ अब वो क्या कर रहा होगा रोहित होल्ड अप हर हैंड उसका हाथ पकड़ लेते हैं लिसन, सुनो ऑल लीन फॉरवर्ड टू लिसन सारे उस आवाज आने के रास्ते की तरफ झुक के सुनने की कोशिश करते हैं गर्ल आई हर्ड इट मैंने सुना ये बॉय सो डि मैंने भी मैन पुर्रिंग नॉइज अरे एक पुर सी आवा रोहित इट्स स्लीपिंग वो सो रहा है आफ्टर ईटिंग ऑल दैट खीर वो सारा खीर खा के अब वो आराम से सो रहा है दादा नाउ इट इज़ द टाइम टू कैच इट क्या अब ये समय है कि उसे पकड़ ले रोहित बोलता है येस व्हेन इट इज़ फास्ट स्लीप जब वो बहुत गहरी नींद में होगा अम्मा बोलती है, है? है? अरे हम में से कौन उसे पकड़ेगा? गर्ल, is the door locked? क्या वो दरवाजा बंद चाबी लगा हुआ रोहित बोलता है व्हाट डोर स्टोर रूम का दरवाजा रोहित नो एवरी मूव्स बैक अ स्टेप सारे लोग एक एक कदम पीछे हो जाते हैं दे स्टेयर एट द रूम वो स्टोर रूम की तरफ देखते हैं अम्मा नर्वसली अम्मा बिल्कुल नर्वस होती हुई डू यू मीन टू से दैट द डोर इज़ ओपन तुम्हें लगता है कि वो दरवाज़ा खुला है रोहित एंड रेखा डोंट मूव रोहित और रेखा भागना मत दर फादर कम्स इन उसी टाइम उनके पापा अंदर उस कमरे में आते हैं पापा व्हाट्स ऑल दिस ये क्या हो रहा है यहाँ पेहित रन टू हिम रोहित पापा के पास भागते हुए पापा टाइगर इन द स्टोर रूम पिताजी स्टोर रूम में एक टाइगर है मैन जो पड़ोसी था अ टाइगर एक शेर वुमन एस्केप फ्रॉम द सर्कस और जो भाग गया था सर्कस के पास सर्कस से अम्मा बोलती है आई एम सो सॉरी बट देर इज नो खीर फॉर योर बॉस मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ क्योंकि कोई खीर नहीं रही आपके बॉस के लिए पापा डिसबिलीविंग मतलब अनविश्वास कर ना करते हुए रियली वट डज़ द टाइगर साउंड लाइक सच में वो टाइगर कैसे सुनने को होता है रोहित नाउ लिसन अब सुनो दे ऑल लीन फॉरवर्ड एंड लिसन आइज फिक्सड ऑन द डोर सब उसी रा उसी तरफ झुकते हैं और सबकी आँखें बिल्कुल इसी दरवाजे पर चिपक जाती हैं रोहित देर डिड यू हीर दैट ये देखो आपको सुनाई दिया पापा इन साउंड लाइक एनी टाइगर आई हैव एवर हर्ड मुझे तो नहीं लगता कोई टाइगर है या फिर ऐसे कभी मैंने सुना हो वर्क टूवर्ड्स द डोर उस दरवाजे की तरफ जाता है दादी रमेश अम्मा ओ बी केयरफुल अरे ध्यान से दे ऑल वॉच हिम बेटेड ब्रेथ एज ही डिसअपियर्स फ्रॉम साइड ही वो सारे अपना सांस रोक के रखते हैं जब वो अंदर कमरे की तरफ जाते हैं और गायब हो जाते हैं उनकी आँखों से साइट मतलब होता है आँखों से जब ओजल हो जाते हैं he appears a minute later वो फिर वापस आते हैं एक मिनट के बाद पापा there is nothing there वहाँ पे कुछ नहीं है man nothing कुछ नहीं woman can't be हो ही नहीं सकता दादी we heard the noise दादी दादी कहती है हमने आवाज सुनी है दादा भी कहते हैं and rohit saw the dog और रोहित ने कुत्ते को भी देखा है अम्मा कहती है एंड माई खीर और मेरा खीर पापा कहते हैं हाँ, थोड़ा सा खीर बच गया है एंड देयर वॉज अयर और वहाँ पे किताब भी रह गया है कहता है a book, एक किताब पापा left there by someone who ate the खीर वहाँ पे वो किताब छूट गई है उसी के द्वारा जिसने वो खीर खाया है वट वी हर्ड वेयर पेजेस ऑफ दिस बुक हमने जो सुना है वो किताबों के पन्नों की आवाज़ थी रसलिंग इन द ब्रीज हवा के वजह से वो जो हिल रहे थे और एक दूसरे से आ, मिल रहे थे Why इज द स्टोर रूम विंडो ओपन क्यों वहाँ स्टोर रूम का दर, खिड़की खुला है देर इज साइलेंस वहाँ पे पूरा शांति रेखा टर्निंग टू हर ब्रदर अपने भाई की तरफ आ, अपने आप को हिला झुकती हुई देखती हुई रोहित और रोहित यू वेर द कैट रोहित रोहित तुम ही हो ना वो बिल्ली दादी बोलती है दैट गॉट इन टू थ्रू द विंडो उस विंडो की मदद से तुम ही है ना उस कमरे में गए हो रेखा बोलती है यू वेर द डॉग और तुम ही हो वो डॉग भी दादा दैट वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर आउटसाइड द हाउस और जो अभी बाहर घर के बाहर जो खड़ा था रोहित एंड आई वॉज द टाइगर लुक्स शीपिस मतलब फूलिश की तरह देखता वो कहता मैं ही हूँ वो शेर भी वुमन दैट एस्केप फ्रॉम द सर्कस जो वो सर्कस से भाग गया था अम्मा बोलती है डैट डेट एट माई खीर जिसने मेरा पूरा खीर खा लिया है शील लुक सेंगरी वो गुस्से में थी यू शुड है तुम मुझसे पूछ सकते थे रोहित दादा यू स्केयरड एवरीबडी तुमने सबको डरा दिया पापा यू वुड हैव गॉट योर शेयर एनी वे तुमने तो अपना शेयर खा लिया है सो दिस ड्रामा वॉज रिटन बाय नंदिनी नायर सो क्लास दिस वॉज द ड्रामा यू मस्ट बी क्लियर थैंक यू